Hey everyone, अगर आप अपनी 2024 की तैयारी कर रहे हैं और आपके दिमाग में है कि सबसे पहले कौन से चैप्टर्स खत्म करने चाहिए, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो उसकी वेटेज ज्यादा है नीट के अंदर, सो वेलकम टू एक्सपर्टो मेंटरशिप चैनल, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगी विच आर द डू और डाई चैप्टर्स फॉर नीट 2024। सो बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू दैट नीट जो है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। सबसे पहले फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का, एंड देन बायो का। सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट फिजिक्स, फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है 11th वाले में से जो हैं, दैट इज लॉज ऑफ मोशन, रोटेशनल मोशन, देन थर्मोडाइनमिक्स। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम 11th वाले पार्ट से। देन कमिंग टू द 12th वाला, दैट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट, दोनों चैप्टर्स जो इलेक्ट्रोस्टैट के हैं वो। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन EMI एंड AC, देन वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स के सारे चैप्टर्स, और साथ साथ में सेमीकंडक्टर्स। 12th वाला पार्ट है फिजिक्स में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू 11th वाला, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सो प्रिपेयर योर सेल्फ लाइक दैट ओनली, पहले फिजिक्स की 12th वाले पार्ट के जो चैप्टर्स हैं वो उनको पहले ख़त्म कीजिएगा। एंड कमिंग टू द केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं फ्रॉम 11th, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडाइनमिक्स, इक्विलिब्रियम। देन कमिंग टू द 12th, दैट कंसिस्ट ऑफ सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th वाले से ज़्यादा 12th वाला इंपॉर्टेंस रखता है, उसकी वेटेज ज़्यादा है, और उसके अंदर भी एल्कोहल, फिनोल एंड इथर्स, उसके बाद एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। उसके साथ साथ अगर हम इनऑर्गेनिक में बात करते हैं तो वो होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पी ब्लॉक। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट मस्ट डू चैप्टर्स, सबसे पहले इन्हें ख़त्म कीजिएगा, और साथ में ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे जो आपके लिए यूजफुल है एंड विल बी बेनिफिशियल फॉर यू टू क्लियर योर नीड। देन कमिंग टू द बायो, बायो में अगर हम बात करते हैं तो बायो 11th वाले पार्ट से जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी, विच कंसिस्ट 20% वेटेज ऑफ फॉर बायो। बायो 20% ह्यूमन फिजियोलॉजी से आता है, तो उसको तो छोड़ना ही मत। देन कमिंग नेक्स्ट, ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज एनिमल किंगडम। यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। 12th वाले पार्ट से अगर हम बात करते हैं तो उसमें आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, देन इकोलॉजी की चारों चैप्टर विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद जो सबसे ज़्यादा वेटेज कंसिस्ट करता है नीट के अंदर, दैट इज जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। सो ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। ये चैप्टर सबसे पहले ख़त्म करना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। Then please do like, share and subscribe, and all the best for your exam.